दिन हो या रात पटना पुलिस आपके साथ है, ये स्लोगन पटना पुलिस की है। लेकिन इसके बावजूद राजधानी पटना में अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी पटना में क्राइम हो रहा है, दिन हो या रात पटना पुलिस आपके साथ है, ये स्लोगन तो पूरी तरीके से फेल हो रहा है। रात की बात तो अलग है कि चलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, लेकिन राजधानी पटना में दिन दहाड़े अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और पटना पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। और बेखौफ अपराधियों को ना तो पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही सरकार का। जी हाँ, इसके अपराधी राजधानी में अपराध को घटना को अंजाम देकर पुलिस के तमाम दावों को ठेंगा दिखा रहे हैं। राजधानी में झपटा मार गिरोह काफी सक्रिय होकर झपटमारी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी मोहल्ले में बीते 28 तारीख दिन बुधवार की शाम वॉकर के सहारे इवनिंग वॉक कर रही 65 वर्षीय महिला नंदा देवी से बाइक सवार 3 अपराधियों ने चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया है और फरार हो गए हैं। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जिसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि वॉकर के सहारे इवनिंग वॉक कर रही महिला से पहले खड़े बाइक सवार 3 अपराधियों में से एक अपराधी ने गले से चेन झपट लिया, जिससे महिला जमीन पर गिर पड़ी और अपराधी फरार हो गए हैं। और दूसरा मामला, चेन स्नेचिंग गिरोह के अलग अलग सदस्य ने राजधानी पटना में 29 तारीख के दिन सुबह में अपने मित्र के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही जहानाबाद की राजद विधायक सुदय यादव की पत्नी रिंकू देवी गले से चेन झपट लिया, जिसके कारण उनके गर्दन में खरोच भी आ गई है। घटना बीते गुरुवार की सुबह 7 बजे और ब्लॉक चौराहे से आगे फ्लाईओवर के पास का है। राजद विधायक सुदय यादव का आवास दारोगा राय पथ पर भविष्य निधि कार्यालय के पास है। आधे घंटे के बाद स्नैचिंग गिरोह के शातिर अपराधियों ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाई चक के पास ई रिक्शा से कार्यालय जा रही निजी कंपनी की कर्मी रंजना सुनेवाल के गले से चेन झपट ली। हालांकि रंजना के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने भाग रहे शातिर अपराधी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शातिर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर का नाम विक्की कुमार और पीयूष कुमार है। हालांकि दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा है। हालांकि पटना पुलिस ने दावा किया है चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। तो ऐसे में दिन हो या रात पटना पुलिस आपके साथ है, ये स्लोगन तो पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि दिन हो या रात अपराधी बेखौफ पुलिस से बेखौफ होकर अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं। चेन स्नेचिंग गिरोह राजधानी पटना के अलग अलग जगहों पर घूम रहा है। तो लोगों से यही अपील है कि मोटी मोटी चेन पहनकर घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये चेन स्नेचिंग का गिरोह खुलेआम राजधानी पटना के सड़कों पर घूम रहा है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, किसी से भी चेन स्नेचिंग कर यानी चेन छीन कर भाग जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस को ठेंगा भी दिखा रहा है। और बेखौफ अपराधियों को ना तो पुलिस का डर है और ना ही सरकार का। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।